Hey guys, hello and welcome back to Bhushan Droid, another brand new video vlog. Yes, it's a video vlog, but जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ मेरे नए लैपटॉप के बारे में जिसका नाम है Acer Predator Helios 300. So ये vlog basically होगा description of this Acer Predator Helios वाले लैपटॉप के बारे में. और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें ये लैपटॉप लेना है या तो कोई नया गेमिंग लैपटॉप लेना है और या पोर्टेबल लैपटॉप लेना है. तो ये उन लोगों के लिए है, वीडियो लंबा है तो वो लोग इसे पूरा देखे जिन्हें लैपटॉप लेना है गेमिंग वाला और जिन्हें एडिटिंग भी का शौक है उन्हें ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि उनके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे. एडिटिंग और वीडियो के लिए ये लैपटॉप बहुत ज़बरदस्त है, इतना मैं बता सकता हूँ. वो कैसे है वो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ जाएगा और अगर आपके डाउट्स कुछ क्लियर नहीं होते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे पाऊँ. So let's get straight into it. और हाँ, इसके बारे में डिटेल रिव्यू देंगे हम इस वीडियो के अंदर. सो आप बने रहिए हमारे साथ, stay tuned to the channel and to the video. Let's get into it. So guys, here is the laptop, Acer Predator Helios 300. जरा मैं इसे घुमा लूँ, एक सेकेंड, let me rotate it. Now that you can see it perfectly, so this is how the logo is right in the center, the two red strips making it look much better. And if you can see that there is a steel covering that comes around in here, so ये भी बहुत अच्छा लगता है with the Acer thing. Acer laptop के साथ वो steel का जो भी है वो एकदम से perfect matching होता है और ये उसके सामने से देखता है आपको. कुछ इस तरह से लिखता है ये Acer का Predator Helios लैपटॉप. और मैं बात करता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ से जो है गर्म हवा निकलती है बाहर और ये वाले साइड पे तो सब कुछ बंद है, बिल्कुल बंद. यहाँ से निकलेगी आपकी गर्म गर्म हवा जब भी आपका लैपटॉप चल रहा होगा. अभी इसे देखते हैं साइड से. सो इस साइड पर देखिए आपको क्या क्या मिलता है. तो बेसिकली आपको मिलता है एक इथरनेट वाला पोर्ट, यहाँ पे आ जाता है टाइप सी वाला पोर्ट, यहाँ पे है आपका HDMI रेगुलर वाला, यहाँ पे आपका USB और आपका माइक्रो SD कार्ड होता है कैमरा के अंदर का, वो इसमें सीधा से जा सकता है. और ये जो है, अभी ये मुझे भी नहीं पता ये एक्चुअली क्या होता है, देखना पड़ेगा. तो ठीक है, तो दिस जाओ इस साइड से उसके ये बटन से ये कीबोर्ड है. तो बेसिकली ये गेमिंग लैपटॉप होने के कारण यहाँ पर आप जो भी बटन इसके देख सकते हो वो ASD और W इन्होंने रेड में दिया है ताकि हम जब भी गेम खेलते हैं, आप PUBG वगैरह खेलते होंगे तो आपको बताया आप यही से कंट्रोल करते हैं मोस्टली. सो उसके लिए वो रेड में दिए हुए हैं. ये है माउस वाला एरिया जहाँ पे आप आपका माउस कंट्रोल करते हो. फिर ये लैपटॉप के बारे में आपको थोड़ा और बता दूँ, ये देखो ये i7 है, 8th generation, NVIDIA GE4 GTX 1050 Ti आता है इसके अंदर. इस साइड से देखते हैं हम, तो इस साइड से भी हमें मिलते हैं दो USB के पोर्ट्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आता है आपका ऑक्स केबल, आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से आपका हेडफोन जैक के लिए. अगर आपके पास एक ही हेडफोन होगा जो आप मोबाइल में यूज़ करते हो, अगर आप वही यहाँ पे लगाते हो तो वो आपका एज ए माइक भी वर्क होता है यहीं से. एंड यहाँ से उसका चार्जिंग का सॉकेट है यहाँ पे बेसिकली. सो इसकी बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह से आती है, फोटोज में देख लो. चलो अभी वापस से वीडियो पे आते हैं. अभी मैं आपको इसका चार्जर बता दूँ सबसे पहले, तो इसका चार्जर बेसिकली कुछ ऐसा आता है. एक सेकंड जरा मुझे जूम आउट करने दीजिए. सो ये है इसका कुछ चार्जर, देखिए दोस्तों. बस ये यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ से निकाल भी सकते हो आप इसे कुछ इस तरह से. और ये आप, ये एक अलग सी वायर मिलती है इसके साथ जो इसके बैक बॉक्स पैकिंग के अंदर ही आती है. और ये है उसका चार्जर. सो बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आपको बस इसे नॉर्मली यहाँ पे कनेक्ट करना होता है. ये देखो इसके अंदर ये तीन होल दिखते हैं आपको और वायर के अंदर भी, और ये फोकस क्यों नहीं हुआ, हाँ ये वायर के अंदर भी ये तीन होल है. आपको बस इसमें इसके अंदर डालना है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है वीडियो बनाने के अभी इसे
हाँ कैमरा को पकड़ लेता हूँ ऐसे। हाँ तो बस इसे ऐसा फिट करना है। फिट करने के बाद आपका चार्जर रेडी है बिल्कुल, और आपको बस इसके अंदर प्लग कर देना है जो आपका चार्जिंग पॉइंट है। तो ठीक है, अभी इसके बारे में तो आपको पता चल गया। इसके साथ बस आपको चार्जर मिलता है और इसका जो बॉक्स रहता है वो, और नॉर्मल जो होती है वो एक साल की वारंटी आती है इसके साथ। तो अभी शुरू करते हैं एक्चुअल में क्या क्या है। आपने तो इसका देख लिया, अभी हम लैपटॉप को शुरू करने वाले हैं। ये देखो फ्रंट साइड में भी हमें पीडिएटर का लिखा हुआ मिल जाता है, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। भी मुझे नहीं पता है वीडियो में कैसा दिख रहा है, आई होप सो अच्छा ही दिख रहा होगा क्योंकि एक्चुअल में बहुत अच्छा है। फिलहाल तो ये कैमरा क्यों फोकस नहीं कर रहा मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये देखो, और इसकी जो स्क्रीन आती है वो पूरी 1080 फुल HD आती है। अभी हम इसे चालू करते हैं, सो लेट्स बिगिन इट। ये मैंने बटन प्रेस कर दिया और अब काउंट कीजिए आप। ये आता है पीडिएटर का लोगो, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये एक्चुअली चालू हो गया है, यानी कि ये बस 10 सेकंड के अंदर चालू हो जाता है। ये इतना इजीली ये चालू हो जाता है 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि मैंने इसको पासवर्ड लगाया इसलिए ये आगे नहीं गया। अभी ये मेरा नाम, अभी मैं इसे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर आपका पासवर्ड यहाँ पे नहीं है तो 10 सेकंड के अंदर पूरी तरह से ऑन हो जाता है और आपको इस तरह से स्क्रीन पे आपको ये लेके आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन मिलती है। आपका ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे बहुत सही मैंने गेमिंग किया है, और ये एक्चुअली एक फील जो आपको आता है ना वो थोड़ा बहुत मैकेनिकल कीबोर्ड जैसा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत एब्सोल्युटली ये मैकेनिकल है क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है। तो गेमिंग लैपटॉप होने के कारण जो इन्होंने ये दिया है वो बहुत ही अच्छा है। इसकी एक और बात, इसमें जो बैकलाइट होता है वो कुछ इस तरह से दिखा, बैकलाइट रुको थोड़ा ऐसा करने दो। हाँ ये बैकलाइट है इसका। अभी अगर ये रात के वक्त आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखता है। अभी तो यहाँ पे फिलहाल लाइट बहुत है सराउंडिंग में तो इसलिए नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन रात के समय में बहुत ज़बरदस्त दिखता है ये बैकलाइट होने के कारण। और अभी बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और वो सब कुछ। तो देखिए अब हम जाएंगे इस पीसी के अंदर। तो ये पीसी मैं ऑलरेडी यूज़ करने लग चुका हूँ, ये जो लैपटॉप है मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में हमें जो मिलता है यहाँ पे होती है 128 GB की SSD जो सी ड्राइव को अलोकेट की हुई होती है उन्होंने। सो 128 GB ऑफ SSD, और ये जो हमें बाकी के ड्राइव्स के लिए मिलती है जगह वो होती है 1 TB। सो 1 TB जगह यहाँ पे होती है, और SSD पे आपका सी ड्राइव होने के कारण ये बहुत जल्दी से जल्दी बूट हो जाता है, यानी कि 10 सेकंड के अंदर ही आपका लैपटॉप जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर आपके लैपटॉप में SSD होगा तो आपको ये फ़ायदा होगा, 10 सेकंड के अंदर पूरा मशीन शुरू, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया बात है इसके अंदर। और थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे अभी हम, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो फिर आपको बता दूँ ये कैसे कैसे आता है बेसिकली। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसके बारे में कुछ चीज़ें, जो ये जो लैपटॉप है वो 1 TB हार्ड डिस्क है इसके अंदर, उसके बाद में 128 GB का SSD है डला हुआ, बाद में ये आता है 8 GB रैम के साथ जो कि मैंने बढ़ा लिया है, और इसका 16 GB मैंने रैम कर दिया है। बाद में ये आता है NVIDIA GE4 GTX और GTX 1050 Ti, आप देख सकते हो यहाँ पे 1050 Ti। इसके बाद इसका जो USB है वो 3.1 है, रिवर्सिबल टाइप सी कनेक्टर आता है, DDR4 RAM दी गई है इसके अंदर। और एक इसके और ख़ास बात इसमें जो है वो ये दिख रहे दो वाईफाई के एंटीना, तो इसमें बेसिकली ये ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पे इस साइड पे एक वाईफाई एंटीना और इस साइड पे एक वाईफाई एंटीना, यानी दो वाईफाई एंटीना इन्होंने दे के रखे है जिससे ये जल्द से जल्द वाईफाई का सिग्नल आपका कैच कर लेता है।
बाद में आता है इसकी ब्लेड टेक्नोलॉजी। तो इसके फैंस जो है वो एरो ब्लेड फ्लैंस है, एरो ब्लेड फ्लैंस। तो अभी दोस्तों इसमें आपको सभी तो पता चल गया है, फिर भी मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ ये लो हो गया है। तो ये देखो मेरा जो पीडिएटर PS315 लैपटॉप है, इंटेल आर कोर इंटेल का है, मेरे पास i7 है। ये आप सब पूरा डिटेल में देख सकते हो, इसका CPU क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, इंस्टॉल मेमोरी यानी रैम जो है इसकी 8GB आती है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने 8GB डाल के इसे 16GB कर लिया है। सिस्टम टाइप जो है वो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक 64-bit प्रोसेसर है इसके अंदर। तो ऐसा कुछ है ये लैपटॉप के अंदर। अभी बात करते हैं इसकी गेमिंग और वो सब के बारे में। तो गेमिंग जो मैंने इस पर किया है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं आपको कुछ गेम्स लगा के बताता हूँ अभी जल्द से जल्द। और हाँ, आपको एक और बात बतानी है मुझे कि इसका जो ग्राफिक कार्ड के बारे में कुछ मुझे पूछेंगे लोग, तो ग्राफिक कार्ड मैं पहले ही दिखा देता हूँ आपको। तो ये हम आ गए हैं टास्क मैनेजर के अंदर। ये CPU हम आप देख सक रहे हो यहाँ पे i7 का 8th generation i7 का CPU है इसमें इंस्टॉल्ड। तो ये है इसका CPU जो बस 1% यूटिलाइज हुआ है, i7 2.2 GHz। और अब अगर कई बार ये क्या होता है, जब आप सुपर बूस्ट कर देते हो इसे तो ये जाता है 4 GHz तक, ये ऑटोमेटिकली 4 GHz तक जा सकता है, ठीक है। तो उसका टेंशन तो कुछ है नहीं। 16GB मेरी रैम है यहाँ पे। बाद में आप ये GPU देख सकते हो, GPU 0 और GPU 1। तो बेसिकली GPU 0 वो होता है वो जो लैपटॉप खुद आपको प्रोवाइड करता है, इनबिल्ट जो रहता है। तो वो इंटेल के हमारे पास UHD अल्ट्रा HD ग्राफिक्स है, देख लो GPU पावर और शेयर GPU ऑलमोस्ट 8GB है हमारे पास है। और ये GPU 1 जो है निविदिया का GeForce GTX 1050। तो ये है पूरा 4GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हमें मिलता है। तो जो टोटल मेरे पास GPU अभी अवेलेबल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल GPU पावर मेरे पास है 11.9GB। डेडिकेटेड जो NVIDIA का है वो 4GB, इंटेल के बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं वो 8GB। तो टोटल मिला के मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड की जो मेमोरी आप बोल सकते हो वो है ऑलमोस्ट 12GB। अभी देखते हैं सीधा गेम प्ले पे। इस पे एडिटिंग ज़बरदस्त होती है, मैंने कुछ वीडियोस रेंडर आउट किए हैं, जो वीडियोस मैं अभी आप चैनल पे देखते हो भूषण एंड्रॉइड के, हमारे चैनल पे वीडियोस होते हैं, वो बहुत जल्द से जल्द रेंडर आउट हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि पावर ही इसकी इतनी ज़्यादा है कि आपको कोई फ़र्क या ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी से एडिट और रेंडर भी हो जाते हैं। देखो यही जो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट किया था ये रेंडर भी हो गया बहुत जल्द से जल्द। अभी मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी भी बता देता हूँ। हम सीधा प्ले करते हैं कुछ गाने, तो गाने प्ले करने के बाद आपको इसकी साउंड क्वालिटी भी समझ आएगी। और हम ये जाते हैं गूगल के ऊपर, पहले तो हमें करना पड़ेगा वाईफाई कनेक्ट, और ये अभी हम ये कर रहे हैं वाईफाई को कनेक्ट, तब तक ये वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। और ये हो गया कनेक्ट, ये हम आ गए यहाँ पर। इसके अंदर एक और बात बतानी है आपको, इसके अंदर हमें मिलती है एरो ब्लेड के जो फैंस होते हैं, 3D फैंस है, इसके अंदर 2 फैंस है। तो जो गेमिंग करते समय आपको जो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, बहुत स्मूथली चलेगी। और फैंस खुद ही ऑटोमेटिकली अपना स्पीड एडजस्ट कर लेते हैं, प्रीडिएटर की सेंस टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाती है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, पहले तो इसके आवाज़ देख लीजिए। ये तो एक ऐड चालू हो गई, रुकिए ज़रा, ये ऐड को ख़त्म हो जाने दीजिए। ये लो हो गए ख़त्म, और अभी हमने प्ले कर दिया है ये गाना। मुझे बस इसका थोड़ा आवाज़ मैक्सिमम पे दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए एग्जैक्टली ये कैसे वर्कआउट करता है। तो मैं इसका आवाज़ फुल बढ़ाने जा रहा हूँ अभी। तो ये इसका आवाज़ है नॉर्मल, देख लो। अभी मैंने गाना चेंज किया, तो दिस इज हाउ, तो
थोड़ा आगे करता हूँ मैं। सो ये इसका कुछ ऐसा आवाज़ है। और इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे जाके यस पे क्लिक करना होता है। इस ऑप्शन पे जो आता है ये डॉल्बी का ऑडियो सिस्टम ओपन हो जाता है। तो अभी देखिए मैं चेंज करता हूँ, हम करंटली म्यूजिक में हैं। मूवी का साउंड इफेक्ट देखिए, डायनामिक का देखो, जब आप गेमिंग कर रहे हो तो गेमिंग का साउंड इफेक्ट देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं गेम, गेमिंग। ये वॉइस, और बाद में आज में आता है आखिरी पर्सनलाइज, आप खुद का पर्सनलाइज भी कर सकते हो इसके अंदर। और ये आता है नॉर्मल म्यूजिक। तो बेसिकली इसका ऑडियो कुछ इस तरह से आता है दोस्तों। ये तो हो गई अभी ऑडियो के बाद, अभी सीधा चलते हैं गेमिंग के बारे में। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया है ये प्रीडिएटर सेंस, तो इसे मैं ओपन कर दूँ। अब ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो चुका है। प्रीडेटर सेंस टेक्नोलॉजी आपको बेसिकली क्या करती है कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है आपका सीपीयू पावर जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली वो फैंस एडजस्ट करती है। ये मैक्स बटन दिया है, आप इसके जो फैंस है वो मैक्स स्पीड पे ले जा सकते हो। और थोड़ा बहुत ऐसा आवाज आता है क्योंकि फैन घूम रहे हैं, और जब आप गेम खेलते हो तो इसका कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये आप जीपीयू इसका जो होता है इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसे ऑटो पे ही रखिए, और जब आप गेमिंग कर रहे हो या कोई हार्डकोर एडिटिंग या रेंडरिंग कर रहे हो तभी आप इसे मैक्सिमम पे करिए, वरना तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो ही जाएगा। तो उसका भी आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कूल बूस्ट का भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे के रखा है, जब गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो कूल बूस्ट आप ऑन कर दीजिएगा, जो हम ऑन कर देंगे अभी, वैसे इतनी ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो अब मैं लगाने जा रहा हूँ गेम। तो ये हमारा गेम शुरू हो गया, देखो कितना स्मूथ चल रहा है, इतना स्मूथ, वाव, क्या टेक्सचर चेंज हो रहे, जबरदस्त। वाव, इतना अमेजिंग है, ऐसा लगता है हम खुद वहीं पे है, उस जगह पे है, इतना जबरदस्त है ये सब। I see a festival that never ends. अगर आपको ये सब पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर देना दोस्तों, जबरदस्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक देना, आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, जिन्हें भी ये लैपटॉप लेना है Acer Predator Helios 300 उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो देख सके इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं। और जो गेमिंग का है उसके रिलेटेड जो गेमिंग भी वीडियोज़ है वो मैं एक जल्द से जल्द एक नए इसमें लाऊंगा, तब आप देख लेना, उसमें हम बताने वाले हैं कि गेमिंग कैसा होता है इस लैपटॉप पर। सो गेमिंग भी बहुत अच्छा होने वाला है, और उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड व्यू मैं बनाने वाला हूँ। उस वीडियो के अंदर बस हम गेमिंग के बारे में बात करने वाले हैं इस लैपटॉप पे। और जो हीटिंग इश्यूज़ है वो इस लैपटॉप में कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप गेमर हो तो आप आराम से खेल सकते हो, गेमिंग का कोई इसमें इशू नहीं आने वाला है। और हाँ, इसकी बैटरी लाइफ जो है वो क्लेम करते हैं 4 घंटे चलेगा, लेकिन नहीं, 4 घंटे तभी चलेगा अगर आपने इसे बस ऑन करके रखा है, तो ये 4 घंटे तक ऑन रह सकता है, नहीं 3.5 घंटे तक रहेगा।
हाँ 3.5 घंटे तक ये बस ऐसा ही ऑन रहेगा। अगर आप इस पर कुछ काम वगैरह करते हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा या 2.5 आवर्स तक जा सकता है ये। अगर आप इस पर कंटिन्यूस गेमिंग कर रहे हो तो बस 1.5 घंटा, हाँ 1 घंटा 15 मिनट या 1.5 घंटा तक ये जाएगा। और वैसे भी अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको पावर तो चाहिए, तो पावर से अगर आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हो तो एकदम इजी है, एकदम आसान सा है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास जाओ इसके लिए। इसके जो भी लिंक्स होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से चेक आउट कर लो और अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। और अभी भी अगर आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो नीचे कमेंट करके बोलो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, वो लाल बटन दबा देना। बाय बाय।